पिछले 2 सालों में यूं तो पीएम मोदी दर्जनों विदेशी दौरे कर चुके हैं, लेकिन इस बार का विदेशी दौरा बेहद खास है। 5 देशों के इस दौरे में पीएम मोदी के 3 बेहद अहम पड़ाव हैं। पहला अमेरिका, दूसरा मेक्सिको और तीसरा स्विट्जरलैंड। ये तीनों पड़ाव इसलिए अहम हैं क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का डिप्लोमेसी का बड़ा टेस्ट होने वाला है। मुद्दा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की दावेदारी का। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पीएम मोदी की बेहतरीन केमिस्ट्री है और एनएसजी में भारत की दावेदारी पर अमेरिका साथ दिख रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी का बड़ा इम्तिहान मेक्सिको और स्विट्जरलैंड में होना है। 48 देशों वाले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के लिए मेक्सिको और स्विट्जरलैंड का समर्थन बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता का जमकर विरोध कर रहे हैं। फॉर द लास्ट मोर देन अ डेकेड वी हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, एन इकोनॉमी लाइक इंडिया व्हिच इज ग्रोइंग विल रिक्वायर मोर एनर्जी एंड वी एक्सपेक्ट for reasons of greenness, cleanness, technology, that the nuclear component of our energy mix would grow. पीएम मोदी के इस विदेशी दौरे का सबसे बड़ा मकसद एनएसजी में भारत की दावेदारी मजबूत करना है, लेकिन इस दौरे में वो 8 जून को अमेरिकी संसद को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी का यह विदेश दौरा भारत के बड़े मकसद यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की कोशिश में कितना मददगार साबित होगा। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल उस उम्मीद का है जिसके लिए पिछले कई सालों में तमाम कोशिशें की गई हैं। मुद्दा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी के विदेश दौरे में सबसे बड़ा फोकस इसी मामले पर है। और जैसा कि सोर्सेस बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद इसे लेकर बेहद सक्रिय हैं। लेकिन इस बार के विदेश दौरे में एक और खास बात है, और वो ये कि पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा एनएसजी में दावेदारी का है। उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा भारत को, और भारत अगर उसमें सदस्य के तौर पर शामिल होता है तो इसका ग्लोबल लेवल पर क्या संकेत जाएगा। इसी मुद्दे पर आज यही हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, मोदी डिप्लोमेसी का टेस्ट। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी से हैं जयनारायण व्यास, कांग्रेस से अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल अंजान जुड़ेंगे सीनियर लीडर सीपीआई मेरे साथ इस पैनल में, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आर के मल्होत्रा सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ इस पैनल में है। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है एनएसजी में सदस्यता को लेकर भारत के फ्रंट पर, भारत की तरफ से क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ अभी तक हुआ है। एक टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 1974 भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके चलते एनएसजी ने न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लाई के नियम बनाए। 2005-2006 एनएसजी ने भारत के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने भारत के लिए न्यूक्लियर ट्रेड के रास्ते खोले और अमेरिका के दखल के बाद चीन ने भी नरमी दिखाई थी। 2015 पीएम मोदी और ओबामा ने न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत की। अप्रैल 2016 भारत ने एनएसजी में मेंबरशिप के लिए आईएईए को दस्तावेज सौंपे। 12 मई 2016 भारत ने एनएसजी मेंबरशिप के लिए अर्जी सौंपी और 24 मई 2016 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि चीन के दौरे पर गए, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से समर्थन मांगा। तो ये कुछ हुआ है। और इससे पहले कि हम इस बात पर पॉलिसी लेवल पर बात करें, पॉलिटिकल लेवल पर बात करें, सबसे पहले एक डिप्लोमेटिक लेवल पर एक आंसर लेते हैं। यहाँ पर आंचल मल्होत्रा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये टाइमलाइन हमने बताई कि अब तक एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर भारत की तरफ से क्या कुछ किया गया है, लेकिन पीएम मोदी का जो ऑरा है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 सालों में बाहर के देशों से, कुछ बड़े देशों से जिस तरह के अपने केमिस्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, क्या लगता है एनएसजी की मेंबरशिप इस बार कितनी पास है? देखिए गौरव, बहुत ही संक्षेप में अगर आप याद करें तो एनएसजी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1974 में जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था उसका एक रिस्पांस था। उसके बाद आप देख लीजिए करीब कितने साल 1974 से लेकर 2008 तक हमने एक किस्म से इंटरनेशनल आइसोलेशन को झेला, लेकिन फिर धीरे 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 करके एक ऐसा इंटरनेशनल ओपिनियन बना कि जिसमें ये लोगों ने महसूस किया कि इंडिया जो है एक न्यूक्लियर, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है अनलाइक अदर्स, और इसने एनपीटी ना साइन करते हुए भी इंडिया जो है एनपीटी को स्पिरिट पे फॉलो करती है, लेटर में भले ही नहीं करती हो, साइन नहीं किया, लेकिन जितने भी हमने स्टेप्स उठाए उससे हमारी एक जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई। ठीक है, लेकिन जो 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की तरफ से जो हमें वेवर मिला उसके पीछे ऑफकोर्स ये हमारी क्रेडिबिलिटी, गुड क्रेडेंशियल्स ये सब तो थे, इसके पीछे यूएसए, यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर की जितनी भी इम्पोर्टेंट ताकतें हैं उन सब का हमें पूरा पूरा समर्थन मिला, और उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि रास्ता हमारे लिए खुलता ही चला गया। हालांकि बीच में न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ ने एक समस्या खड़ी करी और उसको भी हमने 2015 में काफ़ी हद तक सुलझा लिया। चाइना ना हमारे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के वेवर के टाइम पे हमारी फेवर में था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से उसको नहीं। सर, लेकिन मैं आपसे एक स्पेसिफिक कमेंट इस बात पर चाहूंगा, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पीएम मोदी खुद इस मामले पर बहुत एक्टिव हैं, और जो 48 मेंबर्स हैं, 48 कंट्रीज जो एनएसजी के मेंबर्स हैं, पीएम मोदी उन सब के राष्ट्राध्यक्षों से खुद बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की है फोन पर। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आज उन्होंने सबसे बात करी है, लेकिन इससे पहले पिछले 2 साल में भी जब भी गए हैं हर बड़ी ताकत के साथ, हर छोटी ताकत के साथ इससे बात हुई है। बहुत सारी ताकतों ने खुलेआम हमारा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं उसकी मेंबरशिप के लिए हमें ओपनली सपोर्ट किया है। इवन रशिया भी एंडोर्स करता है, अमेरिका सबसे आगे है, सारी ताकतें हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, अड़चन कौन दे रहा है, वो चाइना की अड़चन है। अगर हम उसको किसी हद तक सुलझा लेते हैं, अगर लगा यहाँ पे, अगर लगा है, बिल्कुल अगर लगा है, और पाकिस्तान पे भी बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से वो यूं भी आप समझ के मान के चलिए कि चाइना भी शायद इस बात को समझता है कि पूरा विश्व जो है वो इस चीज के खिलाफत करेगा कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से एनएसजी की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करता। बिल्कुल, ये बार्गेनिंग चिप हो सकता है। उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं एक्यू कादिर, उनकी बयान के बाद तो और भी ज्यादा ये चीज लोगों के ज़हन में होगी। बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकता है, बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है चाइना। मैं जयनारायण व्यास साहब के पास आऊंगा, आता सर मैं आपके पास। जयनारायण व्यास, जो बात यहाँ पर अचल मल्होत्रा साहब ने कही और हम सब में शायद डिप्लोमेसी सबसे अच्छे वो समझते भी हैं, आपको क्या लगता है जो चाइना के आगे और पाकिस्तान के आगे एक बड़ा अगर लगा हुआ है, आपकी सरकार इस अगर को कैसे हटाएगी? सर देखिए, जो मल्होत्रा साहब ने बात कही वहां से मैं आगे चलते हुए कहना चाहूंगा कि जो बात कही उन्होंने और आपने भी जो बात गौरव बताई कि बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, और मैं मानता हूं कि चाइना का रेजिस्टेंस तो है, इसके अलावा मेक्सिको और स्विट्जरलैंड भी इसके खिलाफ रहेंगे ऐसा अनुमान है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद अपने निजी तौर पे भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस तरह के अवरोध आने की संभावनाएं हैं वो अवरोध को एक हद तक न्यूट्रलाइज किया जाए। और जहां तक भारत का सवाल है, 2 मुद्दों पे हम भार दे रहे हैं मेरी समझ के मुताबिक। एक तो हमारा जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ, वो कमिटमेंट को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैं मानता हूँ कि एनर्जी के रूप में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ की हम अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए आज तक हम फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंडेंट है ज़्यादा अक्सर। अगर हम देखें तो 3 लाख मेगावाट के सामने न्यूक्लियर पावर तो 10,000 मेगावाट से भी कम है। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सही दिशा में सही समय पे प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप पे जिम्मेवारी लेके, जैसे ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट और ही इज लीडिंग द बैटल फ्रॉम द फ्रंट, खुद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा ही प्रभाव उसका पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अतुल अंजान, मैं आपके पास आऊंगा। अतुल अंजान, न्यूक्लियर का इशू, न्यूक्लियर चाहे वेपन्स हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, ये इशू हमेशा आपके लिए सेंसिटिव रहा है, और हमने यूपीए 1 में भी देखा था जब आप सरकार में शामिल थे और इस मुद्दे पर आपने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था। अतुल अंजान, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी नीड है इस वक्त देश की, और आपके हिसाब से पीएम मोदी जो कर रहे हैं उससे कितनी कामयाबी हासिल होगी? अतुल अंजान, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी पर दूसरी सोच थी। अब सत्ता में आ गए हैं तो दूसरी तरह की सोच है और अब सब चीज़ अपने हाथ में बटोरने का श्रेय लेने की कोशिश में है। ये एक ऐसा गंभीर मामला है जिस पर विश्व बिरादरी का साथ हमको लेना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत 1974 से ही एक, अगर कहा जाए कि एक आणविक शक्ति है और इस आणविक शक्ति को आप दरकिनार नहीं कर सकते दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों में। वो चाहे पोखरण 1 हो चाहे पोखरण 2 हो, पोखरण 2 की गतिविधियों के पहले भी हम बड़ी शक्ति थे और दुनिया में हम एक शक्ति के रूप में जाने जाते थे। पड़ोसी देशों के साथ हमारी जो स्थितियां थी उसमें हम उन पर भारी पड़ते थे, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी का सवाल हो चाहे एयर का हो चाहे नेवल का हो। लेकिन जब से पड़ोसी देश ने हमारे पोखरण 2 की बात जो अपनी शक्ति बढ़ाई है उससे एक सवाल खड़ा हो गया है कि भारत की सुरक्षा आणविक क्षेत्र में आणविक अस्त्रों से कितनी सुरक्षित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में अपनी आणविक प्रक्रिया को, अपनी आणविक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अगर एनएसजी के अंदर हमारी सदस्यता का सवाल बहुत लंबे समय से रहा है, हम उसको आज के दौर में बदली हुई विश्व की राजनीति में, बदली हुई जियोपॉलिटिकल भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अपने पक्ष में कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन विश्व की तमाम बड़ी शक्तियां अपने अपने तौर तरीकों के साथ हमारे सामने। और आपको क्या लगता है अतुल अंजान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दूसरे देशों से केमिस्ट्री बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से उनकी बराक ओबामा के साथ केमिस्ट्री है, वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स के साथ जिस तरह से उन्होंने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया या बढ़ाया है, ये ज्यादा मददगार होगा और एनएसजी की मेंबरशिप पास आती दिखती है आपको? मोदी डिप्लोमेसी, मैं अगर एक शब्द में कहूं तो ये मोदी डिप्लोमेसी कैसे दिखती है आपको? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बताऊं, ओबामा से बड़ी अच्छी रिश्तेदारी है। रिश्ते बनाए गए और बनने के बाद जब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लोग वहां गए तो $6 बिलियन के उनको हथियार दे दिए गए, $9 बिलियन के हथियार अमेरिका की तरफ से दे दिए गए। ये रिश्तों के अंदर खलक, ये रिश्तों के अंदर टकराहट। और बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे अमेरिका से, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को लगातार सैन्य गतिविधियों में मजबूती से सहयोग और आर्थिक सहयोग दे करके हमारे उन रिश्तों को कहां ले जाता है। ये प्रधानमंत्री की, अगर कहा जाए, बराक ओबामा से दोस्ती कोई व्यक्तिगत नहीं हो सकती, लेकिन रणनीतिक पॉइंट है। और बिल्कुल सही बात, दोस्ती में अभी तक पाकिस्तान की तुलना में पर्सनल रिलेशन का कितनी अहमियत रखती है, ये बात भी आप कह रहे हैं, इस पर भी देखना चाहिए। लेकिन मैं अभय दुबे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट आर के मल्होत्रा मेरे साथ हैं। आर के मल्होत्रा साहब, जो बात अतुल अंजान कह रहे हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा जब हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज की बात नहीं है। डर इस चीज़ का है, खौफ, जैसे 74 के बारे में बताया कि आप एक न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट एनर्जी। इस वजह से पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ा हुआ। एक हिस्सा प्योरेस्ट है कि साहब न्यूक्लियर वेपन बनने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से, बिकॉज एक इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसके खिलाफ टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का स्टैंड वो हमेशा लेकर चले। लेकिन आज मोदी सरकार क्या कर रही? मोदी सरकार ये कर रही है कि बड़ा बिजनेस न्यूक्लियर बिजनेस है, एनर्जी बिजनेस है, ठीक है, और दुनिया चाह रही है कि एनर्जी एक कार्बन मुक्त एनर्जी की तरफ जाए। तो अगर भारत एक मार्केट है, भारत एक बिजनेस पॉसिबिलिटी है, भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो अगर आप ये छोटी सोच को लेकर इस इकोनॉमी के हिस्सेदार नहीं बनेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। बिकॉज हमारे साथ जो बिजनेस करेगा उसका खुद का बिजनेस, उसकी खुद की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये एक सोच मोदी साहब लेके जा रहे हैं कि आपकी मर्जी, आप शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ इस इकोनॉमिक रिवाइवल से तो हो आप, अगर आप नहीं होना चाहते तो आपकी, बिकॉज बायलैटरली हमें वेवर तो मिल गया तो बायलैटरली हम लोग करते रहे। दूसरी चीज, आप थोरियम रूट में भी जा सकते हैं और इंडिया थोरियम रूट में एक अग्रिम टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है। लेकिन थोरियम रूट में दिक्कत यही है कि आप उससे वेपनाइज नहीं कर सकते। थोरियम इज अ क्लीन रूट, उसमें फिजन के बाद आप प्लूटोनियम नहीं बना सकते जिससे आप वेपन ग्रेड। वो ये तो टेक्निकलिटीज की बात हो गई, बात डिप्लोमेसी की हो रही थी कि मोदी डिप्लोमेसी इसमें कितनी कारगर होगी, एनएसजी में सदस्यता मिलने की या नहीं मिलने की। मेरे हिसाब से कारगर होगी, हाँ, और काफी हद तक कारगर होगी, पर इट इज नॉट अ वॉटरशेड इवेंट कि साहब गए और अगले दिन आपको ये एनएसजी की मेंबरशिप, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ थॉ जरूर होगा, कुछ नरमी जरूर होगी, आगे का रास्ता जरूर नजर आएगा। ठीक है अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा और आप, क्योंकि आप विपक्ष की पार्टी हैं और विपक्ष की पार्टी का रुख भी जानना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपकी तरफ से 2008 में एक समझौता हुआ था, उसके बाद से अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अमेरिका के साथ लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक वो मामला लटका हुआ है और शायद उसलिए भी अमेरिका कई बार इस बात को उठाता रहता है। सवाल ये है कि अभय दुबे, इस मोदी डिप्लोमेसी पर ही आपका क्या कमेंट है और मोदी डिप्लोमेसी को कितना कामयाब, कितना धारदार, कितना प्रभावशाली आप देखते हैं? देखिए, पहले ये समझना होगा गौरव जी कि नवंबर 2010 में जब ओबामा जी की विजिट हिंदुस्तान में हुई थी तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि हम पूरी तरह हिंदुस्तान का एनएसजी की मेंबरशिप के लिए समर्थन करेंगे। दिसंबर में जब सरकोजी हिंदुस्तान आए तब उन्होंने भी कमिट किया, यूके साथ था, सारी मेजर कंट्रीज थी। जो हमारी न्यूक्लियर डील का इशू था उसमें जब आप ये कहते हैं कि हमको एनएसजी का रूल्स में वेवर मिला था, लेकिन आप देखिए जब अगस्त 2008 की एनएसजी की मीटिंग थी तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड इन लोगों ने कड़ा विरोध किया था, मगर सितंबर की मीटिंग में इवेंचुअली हमको वेवर दे दिया। वेवर अगर एक बार दे दिया तो इसका अर्थ है कि अब वो बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनपीटी का जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हम लोग क्यों विरोध करते थे? आखिर हम इसलिए कहते थे कि उसमें क्लॉज है कि 67 के पहले जिन लोगों ने टेस्ट किए हैं उन पांचों देश की रिकॉग्निशन न्यूक्लियर वेपन कंट्री के रूप में होगी। तो हम कहते थे कि न्यूक्लियर हैव एंड न्यूक्लियर हैव नॉट का एक क्लब बनकर नहीं रहे, अगर हो तो सबके साथ एक साथ व्यवहार हो। ये हमारा एक बेसिक स्टैंड उसमें था जिस पर हम लोग अंत तक कायम है और कोई भी सरकार हो कायम है। लेकिन बड़ी बात यह है, आपने जब कहा कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी, तो मैं ये बताऊं कि अभी हाल ही में एमटीसीआर में हमको जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन मेंबरशिप है उसमें इटली के वीटो से हमारी मेंबरशिप निरस्त हो गई, जो 34 कंट्रीज हैं। अच्छा। तो यहाँ बड़ा विषय मेक्सिको या स्विट्जरलैंड नहीं है, जो चाइना ने स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की मेंबरशिप को अप्लाई कराया है तो वो इस पर अड़ा हुआ है, जबकि हमने स्पष्ट कहा कि फ्रांस भी एनपीटी का मेंबर नहीं था लेकिन वो एनएसजी का मेंबर है। ये हमारा आर्गुमेंट है कि जब फ्रांस फाउंडर मेंबर होकर एनपीटी के मेंबर हुए बगैर एनएसजी का मेंबर हो सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता है। और मुझको लगता है कि समूचे देश को एक साथ राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर होकर यह कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी एक बात की कि न्यूक्लियर डील जो हमारी अमेरिका से हुई थी, तो मैं बता दूं कि क्या बड़ा समझौता मोदी सरकार ने उसमें कर लिया है, क्योंकि सेक्शन 17B और 46 में यह प्रोविजन था कि जो सप्लायर्स हैं उनकी लायबिलिटी होगी, लेकिन मोदी सरकार ने यह कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो यहां की पीएसयूज में इंश्योरेंस करा ले और इवेंचुअली 1500 करोड़ रुपए की अगर लायबिलिटी है तो 1.5 करोड़ रुपए साल की प्रीमियम पे हम एक्सचेकर की तरफ से अगर कोई हादसा होता है तो हमारी ही सरकार, हमारे ही नागरिकों के टैक्स के पैसे से वो हमको चुकाना होगा। तो ये एक बड़ा समझौता है जो अमेरिका के दबाव में किया है मोदी सरकार। जयनारायण व्यास जवाब देना चाहेंगे इस बात का, कांग्रेस का आरोप आप दबाव में है अमेरिका के। देखिए मुद्दा ये नहीं, दुबे जी एक हद तक करीब अंत तक पहुंचे तब तक मैं उनके साथ पूर्णतया सहमत था, क्योंकि वो राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। आखिरी लाइन में बोल गए। जो है वो एनएसजी की मेंबरशिप का मुद्दा है और जो उन्होंने कहा वो बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का समा ये अमेरिका के साथ करार करने में हमने इंश्योरेंस का क्या किया नहीं किया वो मुद्दों का चर्चा करने। जयनारायण इसलिए कि उस समय इसी क्लॉज का विरोध करते थे एनएसजी की मेंबरशिप पा सके। देखिए दुबे साहब, कई चीजें ऐसी है जिसकी आप भी विरोध करते थे और आप आज आपकी प्रपोजलों का कई जगह लोकसभा में विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दे अहमियत नहीं रखते। अभी हमने डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं किया जयनारायण जी, चर्चा हम कर रहे हैं एनएसजी जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा उसी जी हम नहीं हम एनएसजी की मेंबरशिप की चर्चा कर रहे हैं और मैं आपकी बात के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि चाइना, जहां तक चाइना का रुख है, पाकिस्तान को हमारे बाद में अप्लाई करा के मानने के लिए हमें कारण है कि चाइना इसमें ठीक से नहीं खेलेगा और मैं उस बात से भी सहमत हूं कि मैक्सिको या स्विट्जरलैंड का उतना रेजिस्टेंस कोई नहीं रखता। लेकिन गौरव जी, कुल मिला पाकिस्तान का क्लेम इसलिए नहीं बनता है, एक कारण एक कारण तो आपने स्वयं ने बताया और एक वो साउथ कोरिया का खुलकर सपोर्ट करता है, ये भी इंटरनेशनली सब लोगों को पता है। एक तो आपने बताया कि उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड है उनके क्रेडेंशियल्स का इशू है। कादिर ने जो कहा वो एक खाली उनकी जो इनकी मानसिकता है उसका प्रतिबिंबित करता है कि अगर मुझे जयनारायण व्यास जी, हम दूसरी तरफ ना चले जाएं, इसलिए एक सवाल मैं आपसे, और मैं सवाल आपको बीच में रोक रहा हूं, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जयनारायण व्यास जी, एक बात जो यहाँ पर अतुल अंजान ने भी कही और एक बात जो अभय दुबे ने भी कही, उस बात को शायद हम भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव, आप कहते हैं अमेरिका आपके साथ है, सरकार दावा करती है कि बराक ओबामा ने तो 2010 में कह दिया था कि भाई हम भारत के साथ है NSG के मेंबरशिप को, लेकिन सर सवाल यह है कि एक और उसका, जैसे कि दो पैनलिस्ट भी इस पैनल में सवाल उठा चुके हैं कि वो डुअल कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है अमेरिका का, वो आपके साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, पाकिस्तान को हथियार देते हैं, तो इस डुअल स्टैंडर्ड से भी कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, इसके लिए क्या डिप्लोमेटिक आपके पास जरिया है? देखिए हर देश के अपने अपने सामरिक और व्यूहात्मक रस होते हैं। अमेरिका ने दिया है तो अमेरिका ने रोका भी है। अभी जो पाकिस्तान को देना था उस पर अमेरिका ने रोक भी लगाई है। तो ये नहीं है कि अमेरिका ने ये कर लिया तो कर लिया, हम परमानेंटली अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जोड़ के चले, ये नहीं होगा। ये कहीं टेक एंड गिव का पॉलिसी तो चलता रहेगा। गौरव जी, अमेरिका इस मुद्दे पे अगर अपने साथ रहता है तो इससे मैं मानता हूँ इसको लेके हमें आगे चलना चाहिए। चलिए अभय दुबे, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए, फिर मैं जाऊंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। हाँ नहीं, देखिए गौरव जी, मुझको नहीं लगता अमेरिका दृढ़ता से हिंदुस्तान ये राष्ट्र हित में कहां तक उपयुक्त है। उसका कारण यह है कि 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी हिंदुस्तान में हैं जो ऑपरेशनल कंडीशन में हैं और 17 पर काम चल रहा है। इसमें हमारा रशिया के साथ, फ्रांस के साथ और यूएस की कंपनियों के साथ, जैसे रशिया में तो वो गवर्नमेंट सब्सिडरी है जो काम कर रही है। तो हमारे साथ जब इन लोगों के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर ताल्लुकात हैं तो ये स्ट्रेटेजिकली हमारा विरोध करने वाले नहीं है। ठीक है। और मुझको लगता है कि बड़ा हर्डल सिर्फ एक चाइना और पाकिस्तान है जो मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, बाकी वो दोनों देश भी इतना बड़ा हर्डल नहीं क्रिएट कर। चलिए, आप अच्छा रिसर्च करके आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल से ज़्यादा आप एक एक्सपर्ट की तरह अपनी बात यहाँ लोगों को बता रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अतुल अंजान है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, शायद बीच में आप कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊँगा। अतुल अंजान, मैं गौरव ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं क्या वो अमेरिका समझता है? प्रधानमंत्री जी कई यात्राएं कर चुके हैं, उन यात्राओं के बाद भी वो हमारी प्राथमिकताओं को नहीं समझता। और ये कहना कि उन्होंने हथियार देने का ऐलान किया था, बाद में रोक दिया, आप एस्केलेट करते हैं इस क्षेत्र के अंदर अस्थिरता और आप तनाव को पैदा कराते हैं, और पैदा करा के अपने माल को बेचकर दादागिरी करने का ये जो राजनीति है ये कब तक चलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी हम कह रहे हैं कि FDI बाहर से आ रहा है, लेकिन हमारे देश का निर्यात क्यों नहीं हो रहा? हमारे देश के निर्यात को क्यों बाधित किया जा रहा है? हमारे देश के निर्यात के बाधित होने से हमारा करीब 15 से 20 बिलियन डॉलर का पिछले एक साल में नुकसान हो गया। ये सारी वो परिस्थितियां जिन पर खुलकर बात होनी चाहिए। ये दोस्ती 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 और भीतरघात। आप तो चाइना के साथ बैठ करके हम झूला झूल चुके, लेकिन झूला झूलने के बाद भी चाइना का जो रुख है भारत के प्रति, NSG की मेंबरी वो देने नहीं देगा, ये उसकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन साथ साथ क्या अमेरिका पाकिस्तान को निरंतर ये जो समर्थन दे रहा है और जिस तरीके से पर्दे के पीछे से जो उससे सदस्यता बनवाई जा रही है, ये हमारी समझ से भारत की कूटनीतिक विफलता की तरफ जवाब देंगे। जयनारायण व्यास जी जवाब देंगे आप इसका? नहीं, मैं इनसे मैं मुझे खेद है, अतुल जी की बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। मैं काफ़ी आदर करता हूँ उनके जो विचार है उनका, मगर एक बार आप यही कहते हैं कि कहीं एक ही जगह पे, आप देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में हर एक बड़े ब्लॉक का सामरिक इंटरेस्ट है। आप रशिया ले लीजिए, उसको भी वहाँ कुछ न कुछ करने में रस है। आप चाइना ले लीजिए, चाइना तो वहाँ एक्टिवली कर रहा है। अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, आगे चल के भी करता रहेगा। तो ये अपने अपने रस के विषय में जो भी करते हैं, जहां तक वो भारत को नुकसान नहीं करते तब तक हम अपने राह पे चले। अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है उसको बेरोक है, और उससे एनर्जी सफिशिएंसी है और एनर्जी में हम इंडिपेंडेंट हो सके, इस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अच्छी बात है कि हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा अचल मल्होत्रा। हम पाकिस्तान और चाइना की बात बार बार करते हैं जब एनर्जी की मेंबरशिप आती है, क्योंकि बार बार ये देखने को मिलता है कि यही दो देश हैं जिनकी वजह से भारत को झटका मिलता है या भारत की मेंबरशिप पे खतरा पैदा होता है। इस बार आपको ये दोनों फैक्टर कितने असरदार दिखते हैं या भारत के लिए कितना बड़ा रोड़ा दिखते हैं? देखिए, चाइना ने इस इशू को उठा के रोड़ा तो ऑलरेडी अटका दिया है। अब सवाल ये है कि जो इतना मैसिव इंटरनेशनल ओपिनियन भारत की फेवर में ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या हम ऐन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे इस रोड़े को हटा पाएंगे या नहीं? पाकिस्तान का इसमें कोई लोकी स्टैंड ही नहीं है। पाकिस्तान किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मेंबरशिप के बारे में कोई भी सपोर्ट करने वाला आगे आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो हाइफनेट करते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, बिकॉज बोथ आर नॉन सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी और दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और इसको जो हाइफनेशन किया है वो सिर्फ चाइना ही करता है। ठीक है, ये आपने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के वेवर के बाद से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब पाकिस्तान और इंडिया को आपस में हाइफनेट नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत से मामलों में नहीं किया जाता, तो इसमें तो खास तौर से नहीं किया जाता। लेकिन चाइना पिछली बार भी, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ गौरव जी, जिस दिन न्यूक्लियर वेवर आया था उस दिन मैं वियना में था। दुनिया, हमारे पीएमओ, फॉरेन सेक्रेटरी, हम सब लोग बैठे हुए थे। रात 2:30 बजे तक ये मीटिंग चली थी और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उठ के चले गए थे। लेकिन लास्ट मिनट पे जितने भी इंटरनेशनल, और सिर्फ चाइना ही नहीं, और प्रेसिडेंट मुखर्जी भी अभी गए थे चाइना, तो उनकी विजिट से थोड़ा सॉफ्ट, उससे जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उससे ये लगता है कि थोड़ा सॉफन किया उन्होंने, कोई कमिटमेंट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिशियल से बोलेंगे या वो आपके ऑफिशियल से बात करेंगे, तो ये एक इंडिकेटर है कि चाइना के बारे में तो कहा जा सकता है जब चाइना हो या चाइनीज प्रोडक्ट, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये देखते हैं इस बार चाइना का क्या स्टैंड होगा। लेकिन आर के मल्होत्रा साहब, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल एज एन एक्सपर्ट, एनएसजी की मेंबरशिप के लिए तो इतना भारत अगर प्रयत्न कर रहा है तो वाकई एक बात तो होगा कि एनएसजी की मेंबरशिप काफ़ी खास है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, भारत को एनएसजी की मेंबरशिप मिलती है तो क्या फ़ायदा होगा, किस सेक्टर में होगा एनर्जी के अलावा, और कितनी जल्दी होगा? सर देखिए, एनर्जी के अलावा जब आप न्यूक्लियर डोमेन में जाते हैं तो इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ड्यूअल यूज़ है, जो बाकी एरियाज़ में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। हाईएस्ट निश एंड ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर इश्यूज़ में होती है। तो जब आप एनर्जी के मेंबर हो जाते हैं तो आप एक प्लेयर बन जाते हैं पूरी इंटरनेशनली, ग्लोबली उस टेक्नोलॉजी से आदान प्रदान का, और आपके कई सेक्टर्स में उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मेटलर्जी इज़ वन ऑफ देम, एवियोनिक्स इज़ अनदर वन, हज़ार चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिकली आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी विल सडनली बूस्ट। इसके अलावा आपका स्टेचर ऐसा हो जाएगा। अब चाइना क्यों बार बार पाकिस्तान के साथ हमें हाइफेनेट करना? बिकॉज अगर पाकिस्तान को दरकिनार करा जाए तो भारत चाइना के साथ मुकाबला करना शुरू कर देगा। वो ये नहीं चाहता। तो एक हमारे गले के अंदर एक रस्सी बांधी हुई है उसने। हर दफे हम जब कभी बात करते हैं तो पाकिस्तान बीच में अटका देता है। तो चाइना की स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि भारत को ग्लोबली ऊंचा नहीं उठने देना। और जिस दिन हम एनएसजी की मेंबरशिप में पहुंच गए तो ग्लोबली हम उस स्टेचर में पहुंच जाएंगे जहां बड़े बड़े देश हैं, हाई टेबल जिसे कहते हैं, उसमें हम बैठना शुरू हो जाएंगे। और इसी से हमारा जो निर्यात की बात हो रही थी, आदान प्रदान की, इक्वालिटी स्टेटस हो जाएगी और उसमें हम काफी आगे बढ़े। आपको लगता है इन प्रेजेंट रेजिम? बिल्कुल बढ़े हैं। ठीक है। और अभी भी जब चाइना के बारे में उसका सॉफन करने की स्टैंड है, ऑब्वियसली हम चाइना से बात करेंगे और हम उनको ये कहेंगे कि अगर इकोनॉमी में हमारे साथ शामिल होना तो ये नहीं हो सकता कि आपसे व्यापार तो करेंगे, लेकिन जहां हमारी ग्लोबल कैपेबिलिटीज के बाद में उसके आगे हम अड़ंगा लगाएंगे। चलिए, ऐसी दोहरी नीति आप नहीं अपना सकते। ऐसी दोहरी नीति आप कब तक अपनाएंगे ये भी दुनिया देखेगी। अतुल अंजान, मैं अब आपके पास आऊंगा और डिबेट में एक और मुद्दा है कि पीएम मोदी यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे, और ऐसा करने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं वो। सवाल यह है कि जो बात यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अतुल अंजान कि हम काफी आगे बढ़े हैं और चाइना ने भी अपना रुख थोड़ा सा सॉफ्टन किया है, थोड़ा सा नरम किया है एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर, तो आपको लगता नहीं कि ये जो सरकार है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को सही तरीके से आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है आज कि हम इतने आगे बढ़े हैं। अतुल अंजान, भले ही विपक्ष कितनी आलोचना करता हो। गौरव, ये तो अब ये अच्छा आपने लास्ट में लगा दिया, ये जो आप जो लास्ट में लगा रहे हैं ये पूरे बहस को एक दूसरे दिशा में स्वामी भक्ति की तरफ ले जाने का है। जब बहस हो तो बहस को पूरे तरीके से होने की जरूरत है, उसमें स्वामी भक्ति नहीं है। ये बहुत एकेडमिक बहस है, ये एकेडमिक। सर, आप स्वामी भक्ति कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल भी ना पूछूं और आप उस पर सवाल उठा दें। आप बोलिए, आप पूछ रहे। अब देखिए, एक बात सुनिए, मैं भी इतना जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हैं, अब सुनिए, आगे बढ़िए। इतना ज्यादा इफ एंड बट लगा, इतने अच्छे सवाल आपने किए, उसमें बाद में आगे बढ़ गए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस सरकार के सामने जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उन बड़ी बातों का यथार्थ में क्या निकल रहा है। अगर हम एनएसजी की मेंबरी नहीं पा रहे हैं और हम सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम पाकिस्तान के हथियारों की सप्लाई को नहीं रोक पा रहे हैं, हमें उसे बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका से नहीं रोक पा रहे हैं, तो संसद अमेरिकी को संबोधित कर लेने से पांचवें प्रधानमंत्री हो जाएं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए वेरी गोल्डन फेदर ऑन द कैप ऑफ इंडिया। द क्वेश्चन इज दिस कि हम इसको कैसे रोकें, और ये राष्ट्रहित में सबको मिलकर करने की जरूरत है कि आज जो लोग आतंक को पैदा करते हैं, जो आतंक की गतिविधियों को समर्थन करते हैं, जो आतंक की गतिविधियों को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए आर्थिक समकक्ष सहयोग देते हैं, उसे कैसे अपनी कूटनीतिक, अपनी राजनीतिक और दुनिया की बिरादरी के साथ जोड़कर उसे अलग थलग किया जाए। इसमें चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, तो आपको क्या लगता है इसमें मौजूदा सरकार कितनी कामयाब है? जो बात आपने की अतुल अंजान, इसमें पीएम मोदी की डिप्लोमेसी किस तरफ जाती दिखती है आपको, या कहां चूक हो रही है सरकार से? मुझे लगता है कि इस एनएसजी की सदस्यता के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और हमारे देश के अंदर वो जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर जो हमारे अघोषित आर्थिक प्रतिबंध है हमारे निर्यात के, उसे हम कैसे तोड़ते हैं, हम कैसे अपने निर्यात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 2 साल में हमारे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हुआ है तो निर्यात का हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाद भी उत्पादित हमारा माल दुनिया के बाजार में ठहराव की स्थिति में हो जाए, यह इसको तोड़ने के लिए सभी दलों को मिलकर कूटनीतिक, आर्थिक। ठीक है, आपने एक वाजिब सवाल उठाया अतुल अंजान, और इसका जवाब लेते हैं। अपनी पहल को मजबूत करने अतुल अंजान, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है और जयनारायण व्यास आपसे इसका एक ईमानदार उत्तर भी चाहेंगे, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस चैनल हम भी लगातार रिपोर्ट करते हैं 17वें महीने लगातार नेगेटिव है एक्सपोर्ट सर, और ये एक बड़ा चिंता का कारण है, आप चाहे इस बात को माने या ना माने। और अतुल अंजान जिस बात को उठा रहे हैं, कैसे आप इसको टैकल करेंगे सर, और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, चूंकि हम ये पूरी चर्चा एक बिजनेस चैनल पे कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो बात मैं कहूंगा वो उसको मद्देनजर रखते हुए कहूंगा। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, आप भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से आज तक देख लीजिए, उसका विश्व व्यापार में जो शेयर है वो क्रमशः नीचा जा रहा है। इसीलिए नहीं कि भारत की उत्पादने विश्व बाजार में हरीफाई करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए नहीं कि भारत के व्यापारी में साहसिकता नहीं है। सवाल ये है कि भारत में घरेलू जो बाजार है वो इतनी बड़ी है कि उनको ये बाजार को पहुंचने में जो इनके लिए शक्यताएं खड़ी हैं वो बाहर के रुख करने नहीं देती, और उसकी वजह से हम निर्यात व्यापार की जब भी बात करते हैं, एक तरह से ये भारत के लिए फायदेमंद भी है। विश्व में चाहे किसी भी तरह की उलट सुलट आ जाए, हम चाइना इतना 18% विश्व व्यापार में अपनी शेयर रखता है, अमेरिका में मंदी आ गई, चाइना को इसका इम्पैक्ट लगेगा। हमारी जहाँ तक अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ों से, सब आपत्तियों से इंसुलेट इसलिए है कि हमारे बॉटम ऑफ पिरामिड से लेकर टॉप तक एक बाजार है यहाँ कि हर चीज का हर कीमत पे खरीदार है, और इसी वजह से हम। सर, आपने एक इकोनॉमिक परिभाषा सामने रखी है, लेकिन इस बात को आप कैसे झुटला सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड एक बहुत बड़ी रियलिटी है सर? हाय, इट इज वो, उसे ना नहीं कहता मैं, मगर उस देखिए, व्यापारी तो वहां जाएगा जहां उसको मुनाफा मिलता है, जहां उसको व्यापार सहजता से प्राप्त होता है। अगर आपको अपने घर के आंगन में व्यापार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्राप्त हो। आप देखिए 77 में जब जॉर्ज फर्नांडिस हमारे उद्योग मंत्री थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था कि 40%। इस बात को मानते हैं अभय दुबे आप? इक्विटी लाओगे अभय दुबे, आप इस बात को मानते हैं? रह पाओगे नहीं तो नहीं रह पाओगे। तो IBM जवाब दे रहे थे अभय दुबे, आप इस बात को मानते हैं? सब चले गए थे यहाँ से और 1991 के बाद ये सब वापस आ गए यहाँ। गौरव जी आपने ठीक कहा कि जयनारायण व्यास जी ने एक नई परिभाषा दे दी अपनी सरकार के बचाव का, एक ऐसा तरीका ढूंढा कम से कम अर्थशास्त्रियों को तो ये किसी भी तरीके से गले उतरने वाला नहीं है। इस बात को इनको स्वीकारना चाहिए कि कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे हो गया, एक्सपोर्ट 15-18% की दर से नीचे हो गया, और जिसकी खूब नरेंद्र मोदी जी चुनाव में व्याख्या थे कि यूपीए की सरकार पिंक रिवॉल्यूशन लाई है, मांस का निर्यात बढ़ा है। अरे फूड ग्रेन्स का निर्यात सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और मांस का निर्यात 2 साल में अपने ऊंचे स्तर पर है। जयनारायण व्यास जी को स्वीकारना पड़ेगा। एक बात अभी आपने बात की, चलिए वापिस हम लोग उस विषय पर आते हैं प्रधानमंत्री जी के। अतुल कुमार अंजान साहब ने एक पक्ष उसका बड़े अच्छे तरीके से रखा। आप अगर देखें जब सरकार ने शपथ ली थी मोदी सरकार ने, तो उन्होंने कहा था नेबरहुड फर्स्ट और सार्क कंट्रीज के प्रमुख को बुलाया और कहा कि इंडियन ओशन आइलैंड स्टेट्स को और जो सबसे निकटतम पड़ोसी हैं, आज क्या संबंध हमारे हो गए। आप देखिए नवंबर में चाइना गया, मालदीव से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के पोर्ट को देख लीजिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, नेपाल तक जैसे देश जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं वो भी आज की परिस्थिति में सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं। तो ये जो हमारे फॉरेन अफेयर हैं वो नेबरहुड को हैंडल करते नहीं, वहां पर एड्रेस करने से क्या होगा। मुझको लगता है जितनी विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री जी की है, इंडियन डायस्पोरा कन्वेंशन बनकर रह गई, वहां खूब शो किया मगर आउटकम क्या है जयनारायण व्यास जी। अभी अतुल कुमार अंजान साहब ने FDI का जिक्र किया, तो FDI इनफ्लो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में है। इसका अर्थ है कि मेक इन इंडिया की भी हवा निकल गई। जवाब दे देते हैं जयनारायण व्यास से, जवाब दे देते हैं जयनारायण व्यास, जवाब दीजिए। अब आप देखिए, सुनिए आप सुनिए, आपने बहुत सही बात कहा कि FDI इन्वेस्टमेंट जो है सर्विस सेक्टर में है। जब आपका 66% GDP सर्विस सेक्टर से आता है तो वो सेक्टर फोकस सेक्टर है आने वाले समय के लिए। और जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट की बात सर्विस सेक्टर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, चाहे आपको पसंद आए ना आए। भारतीय अर्थव्यवस्था का कलेवर बदल रहा है। ठीक है सर, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। चल ठीक है, की कर रहा था, मैं भी उसका विद्यार्थी हूँ, मैंने अपना डॉक्टरेट वही विषय में किया है। तो ये बात आप मत समझिए कि मैं आपकी विद्वत्ता पर प्रश्न नहीं आ रहा है। जयनारायण जी आप बहुत विद्वान जीडीपी आपका सर्विस सेक्टर देता है, बड़ा आदर करता हूँ जी, आप विज्ञ और विद्वान है, उसमें मैंने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है आज। और आज सबसे अच्छी बात है कि दो एक दूसरे के विरोधी राजनीतिक दल है वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए। जी अतुल अंजान जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं एक सवाल, मेरी एक जानकारी दे दीजिए जयनारायण जी कि ये जो सर्विस सेक्टर 66% है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्या सर्विस सेक्टर के इस आगमन से, जिसको आप 66% GDP बता रहे हैं, क्या इससे कोई स्थायी रोजगार? अच्छा ठीक है, ये एक सवाल है जनरल व्यास, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए, फिर से हम अपने इशू पे आते हैं। सर वो इशू भटक रहे हैं हम। जनरल व्यास आप जवाब दे दीजिए जल्दी 20 सेकंड में। हाँ मैं इस चलिए देखिए 2001 में एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स जो मेजर सेक्टर में थी 0.43 से गिरकर अब 0.003 आ गई है, यानी यू आर गेटिंग इनटू ए जॉबलेस ग्रोथ एरा। उसके सामने अगर आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का रिपोर्ट देखें तो 79 स्किल्स ऐसी है जो शॉर्ट सप्लाई में है, जो हमारे वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ये माइक्रो यूनिट्स है जो पर यूनिट ज़्यादा रोजगारी देते हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस दिशा में प्रयास हो रहा है सही दिशा में। चलिए जिस दिशा में आप रोजगार और सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें सही प्रयास हो रहा हो, लेकिन हम आज जिस दिशा की बात कर रहे हैं अब उसी पर लौटते हैं। और अचल मल्होत्रा साहब, एक ब्रॉडर क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, एक बड़ा सवाल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव। बताइए जो अमेरिका में चुनाव हो रहा है उसके बाद क्या होगा? सर वो बात करेंगे आपसे, आप जो बात कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो आज इशू है उस पर बात करते हैं। समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अचल मल्होत्रा साहब एक लाजवाब, ठीक है नहीं ठीक है सर, आपकी अपनी स्टाइल है, आप अपनी स्टाइल में बोलते हैं और हम उस स्टाइल को पसंद करते हैं सर, लेकिन हम आज अपने इशू पे बात करते हैं। लार्जर पर्सपेक्टिव का सवाल ये सर कि 2 साल जो मोदी सरकार ने बिताए, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं ठीक है सर, अचल मल्होत्रा साहब 2 साल जिस तरह से यहाँ पर मोदी सरकार के अभी तक निकले हैं और जिस तरह की उनकी डिप्लोमेसी रही है, फॉरेन अफेयर्स रहे हैं, इस डिप्लोमेसी या इस फॉरेन अफेयर्स को अगर हम पैमाना माने तो आगे आपको क्या पिक्चर दिखती है? देखिए 2 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत बड़ा नहीं, इस सरकार का, क्योंकि अभी शायद हमने देखा नहीं जी। हाँ मैं देखिए आपके सवाल का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब तो हो नहीं सकता कि डिप्लोमेसी फेल हुई है डिप्लोमेसी पास हुई है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी विदेश नीति के क्या खास गुण रहे हैं या क्या क्या सेलिएंट फीचर्स रहे हैं और कहाँ ये खरे उतरे हैं, कहाँ ये नहीं खरे उतरे हैं। मैं इसको बहुत जल्दी से 3-4 डिपार्टमेंट्स में अगर इसे बांट दूँ तो जो मोदी सरकार की विदेश नीति है उसके 2-3 एलिमेंट्स तो ये हैं कि ये तो एक तो प्रोएक्टिव रही है, प्रैग्मेटिक रही है और डेवलपमेंट सेंट्रिक रही है। उसके अलावा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसमें अपनी पर्सनल कमिटमेंट दिखाई है और जितना समय सरकार ने विदेश मामलों को लेकर बिताया है वो एक काफ़ी प्रशंसनीय प्रयास रहा है। तीसरी बात यह है कि विदेश नीति को इंडिया के जो भारत के डोमेस्टिक एजेंडा फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इन्होंने लिंकेजेस की हैं। उसके बाद अब आप कोई भी अपना डोमेस्टिक प्रोग्राम अगर उठा के देखें, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी 2 डायमेंशन है। देखने में तो ये डोमेस्टिक लगते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी फॉरेन इनपुट्स चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आप एक असेसमेंट तो इस लेवल पे कीजिए कि पिछले 2 साल पे क्या हमें बाहर से मिली हैं इनपुट्स। तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी करके हर फील्ड में हमें अश्योरेंसेस और कमिटमेंट्स दोनों मिली हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए कमिटमेंट है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो आगे आई हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, देयर आर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, खाली जबानी नहीं कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए करेंगे। एक सवाल अतुल अंजान जी, मैं आपका सवाल लेके आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर देना, जल्दी कंप्लीट करता हूं। ये तो एक इसका पहलू है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे नेबरहुड फर्स्ट की, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा रीजन है जिसके ऊपर पिछले 2 साल में हमने फोकस नहीं किया। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल फुटप्रिंट। नेबरहुड में हमारी पॉलिसी को पूरे नंबर नहीं दिए जा सकते। पाकिस्तान हम वहीं के वहीं हैं, ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। भूटान, बांग्लादेश और वहीं यहाँ पे भी है, हाँ वो रिपीट नहीं कर। मालदीव्स और ये सब जो एपिसोड्स हुए, नेपाल, हमने काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट को काफ़ी हद तक सुलझा लिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि हम फिर कहाँ गलत हो गए कि नेपाल जिसको हमने ठीक कर लिया था, श्रीलंका तो अभी भी ठीक ठाक है, मालदीव्स भी किसी हद तक हमने उनको ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई है कि रिलेशंस उस लेवल पे नहीं जिस पे होने चाहिए थे। दूसरे रीजन्स में हमें आंशिक सफलता मिली है और ग्लोबल लेवल पे बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ कि डेफिनेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में बाहर ज्यादा अप्रिशिएट होती है, घर में कम होती है। लेकिन तो सर मैं अपना सवाल पूछ लूं, जो बात यहाँ पर अतुल अंजान ने उठाई थी और वो एक वैलिड क्वेश्चन अब आपकी बात के बाद आता है कि नेबरहुड फर्स्ट था, लेकिन जो अमेरिका के साथ अभी रिश्ते देखते हैं, अमेरिका में सरकार बदलती है तो फिर क्या होगा और वो रिश्ते क्या, वो गर्माहट, वो केमिस्ट्री दिखेगी? देखो गौरव, आज की तारीख में हम कह नहीं सकते कि सरकार बदलेगी तो कौन सी सरकार आएगी। अगर आप ट्रम्प की उसकी स्टेटमेंट्स को लेके चले तो पाकिस्तान को लात मारने की बात करते हैं। और वो अमेरिका के लिए वो कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट बात करते हैं। लेकिन आज की डेट में ये स्पेकुलेशन है। और दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें कंटिन्यूटी किसी हद तक बनी रहती है। भारत के लिए बीपीओ बंद करने की बात करते हैं, अपने कैंपेन में कॉल सेंटर का मजाक उड़ा चुके हैं। बीपीओ तो बराक ओबामा भी बंद करने की बात कर रहे थे, आउटसोर्सिंग की बात नहीं, आउटसोर्सिंग के लिए तो बराक ओबामा भी हमारे खिलाफ बोला करते थे और फिर आए हिंदुस्तान में आगे पहली स्टेटमेंट जो पहले अनाउंसमेंट करी थी जॉब क्रिएशन की करी थी उन्होंने, वो उनकी अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी, हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी सरकार। ठीक है, इन सब के बीच सर जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान को हम वेटेज ना दें लेकिन चाइना को हम इनकार नहीं कर सकते, और आपने भी कहा कि चाइना ने ऑलरेडी रोला अटका दिया। तो आर के मल्होत्रा, चाइना के साथ हम वहां गए, वो यहाँ आए, हमने उनको झुला झुलाया, वो हमारे साथ बैठ के चाय पिए, लेकिन फिर क्या लगता है आपको, कहाँ रिश्ते कहाँ पहुँचते दिखते हैं? देखिए, जहाँ आगे गए या पीछे आए, देखिए कुछ चीज़ें ऐसे तथ्य हैं जिसको हम हटा ही नहीं सकते। पहला तथ्य, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली ऐसी जगह बैठा हुआ है कि अगर हमने सेंट्रल एशिया जाना है और सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुक़ बनाने, तो रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से जाता, तो उसका तरीका हमने ईरान ढूंढा। लेकिन चाइना जानता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी मित्रता हिंदुस्तान के रिश्तों से बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली उसकी ये रिक्वायरमेंट। और पाकिस्तान को जहाँ देखें, अमेरिका का वो अलायंस पार्टनर है, सेंटो का हिस्सा है, हम भूल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अमेरिका जब पाकिस्तान को देखता है, वो देखता है कि सेंटो का हिस्सा है, और कई देर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते, हम एक रशियन अलाई किस्म के कंट्री रहे हैं, जो हमने बाद में नॉन अलाइनमेंट को हटा के अब हम लोग हर एक से बायलैटरली बात कर रहे हैं। चाइना को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं हम मुद्दे क्या उठा रहे हैं कि आप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं पाकिस्तान में, वो उस हिस्से से जा रहा है जो हमारा है। इस किस्म के हमने इश्यूज आज तक उठाए नहीं, तो चाइना को हम बताना चाह रहे हैं कि यार हम भी कुछ ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं जिसमें आपको तकलीफ होगी, बिकॉज उसके उइघुर्स हैं और जो सोशल फैब्रिक है उसका, उसके अंदर टिबेटन इशू है। अगर हम ऐसी चीज़ें उठाना शुरू हो जाएंगे तो चाइना को भी तकलीफ होगी, और इसके सब का एहसास उसको ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, और हालांकि स्ट्रेटेजिकली वो फिर भी पाकिस्तान के साथ अलाइन रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल उसको समझ आ जाएगी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद चाइना कम्स विद इंडिया कम्स एट अ कॉस्ट, और जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं शायद उनको ये ज़्यादा मुफीद वक्त है उनको समझने के लिए। लेकिन एक ब्रॉडर क्वेश्चन मैं आप जनरल में आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल अभय दुबे आपसे लेता हूं। और अभय दुबे, मेरा सवाल ये है कि अगर एनएसजी की मेंबरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से मिल जाती है, तो क्या आप उसका उनका लोहा मान जाएंगे? देखिए गौरव जी, मानसून आने वाला है और जो बादल बहुत गरजते हैं वो अक्सर कम बरसा करते हैं। मैं राष्ट्र के हित में चाहता हूं कि हम उसमें मेंबर हों, हाँ। लेकिन आप ये कोई ऐसा नहीं कि मोदी सरकार के परिश्रमों का परिणाम होगा कि हमको मिल जाए। अच्छा। लंबी लड़ाई होती है स्ट्रेटेजिकली, हाँ। जिसको हमने किसी हद तक पार सर, लेकिन जो विनिंग शॉट लगाता है, जो विनिंग शॉट लगाता है प्लेयर, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सर, विनिंग शॉट लगाता है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। धोनी भी छक्का मार के जिताता है, तो गौरव जी उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। गौरव जी नहीं, हमको हम उसमें अगर मिल जाए तो हिंदुस्तान के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, उसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। जैसे भी हमारे एक्सपर्ट जल्दी समय खत्म हो चुका है, ईरान का चाबहार वाला विषय दिया। हाँ गौरव जी, चाबहार वाला विषय तो ये मोदी सरकार ने कहा जैसे कोई वास्को डिगामा ने नया पोर्ट तलाश कर दिया हो। अरे 91 में पार्शली चाबहार को हम डेवलप कर चुके थे सेंट्रल एशिया के रूट के लिए। और एक बात और बता दूं कि हम ऐसा नहीं अब्बास पोर्ट को यूटिलाइज करते थे ईरान वाले, लेकिन वहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए 2005 से 9 तक में हमने अफगान और ईरान की बॉर्डर जो बॉर्डर रोड्स हैं उनको भी डेवलप किया है। जब चीजें सामने मेरा 2003 में बात शुरू हुई थी कि आप काम 2003 में बात शुरू हुई थी, 10 साल आप सरकार में रहे, कुछ बात नहीं हुई, आज जाके डील हो रही है। अगर हम पहले कर लिए होते तो आज इसका ज्यादा फायदा मिल चुका। क्या बात कर रहे हैं, पार्शली हम डेवलप कर चुके थे। और ये जो कह रहा हूं कि जो प्रोपोगंडा करते अपेक्षा काम करना चाहिए फोकस होकर। चलिए अतुल अंजान कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात कहिए अतुल अंजान। गौरव जी, मैं एक ही बात कहूंगा, मल्होत्रा जी विदेश मामलों के लंबे जानकार हैं, हमारे मल्होत्रा जी हैं और दूसरे साथी हैं, वो सब लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं। अब इतनी दौरा करने का आप कह रहे हैं कि विदेश नीति का, मुझे तो लगता है कि विदेश अगर एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए भारत के हित में है तो क्या होगा, लेकिन भारत के अंदर ये बादल कैसे गरजेंगे? यहाँ तो 2.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन सूखी है, किसी को मिला ही नहीं कुछ, तबाही का रास्ता है। तो इन तमाम देशों में अगर हमारी बड़ी अच्छी विदेश नीति है, तो बर्मा के यूथान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने थे, तो अभी तो बड़ा अच्छा अवसर है कि मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना दिया जाए। बान की मून जा रहे हैं तो बन जाएंगे अमेरिका, ये तो भारत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह की बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऊंच नीच चलेगा, दांव पे चलेंगे, हमारे निर्यात बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। चलिए एक छोटा सा कमेंट जयनारायण व्यास से ले लेते हैं सर, समय खत्म हो चुका है। आर्थिक स्थिति हमारी धमक बनेगी तो हमारी और आगे बढ़ेगी विदेश नीति। यही जयनारायण व्यास एक फाइनल कमेंट, क्योंकि सारी मिलकर बनती है विपक्ष की, सारी सुइयां आपकी तरफ ही है, तो जयनारायण व्यास एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए गौरव जी, पहले तो ये बादल और गड़गड़ाहट की बात की गई, ये साल मैथ डिपार्टमेंट का जो आकलन है उसके बहुत अच्छा है, मानसून अच्छा रहने वाला है, तो हम अपेक्षा करें कि बारिश होगी और उसके साथ एनएससी वाला मुद्दा भी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। तो इस बार का जो अनुमान है मौसम विभाग का, वो कहता है कि भारत में इस बार बारिश, बादल जमकर बरसेंगे, तो क्या ये माने कि ये अच्छा शुभ संकेत है? क्योंकि एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर जिस तरह से मोदी डिप्लोमेसी दिख रही है, कई जानकार कह रहे हैं कि ये एक माइलस्टोन हो सकता है, हो सकता है। अभी भी अगर मगर यहाँ पर लगे हुए हैं चाइना और पाकिस्तान को लेकर, देखते हैं इन अगर मगर से सरकार कैसे निपटती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चौंकाने वाली उनकी इंस्टिंक्ट के लिए जाने जाते हैं, वो इंस्टिंक्ट क्या इस बार भी दिखेगी? फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।